अक्सर सभी लोग मोबाइल का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है आपकी मोबाइल की बैटरी एक से आधा घंटा चल पाती है, क्योंकि दोस्तों वो बैटरी ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड पॉइंट बताऊंगा जिनकी मदद से आपकी बैटरी 1 से 3 घंटे के बीच चलने लगेगी। तो देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हमारी बैटरी किस कारण ख़राब होती है। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं हमारा बैटरी ख़राब होने का कारण। दोस्तों हम जब भी मोबाइल चलाते हैं तो उसको चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करने लगते हैं या गेम खेलने लगते हैं, उसके कारण भी हमारी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी भी सॉन्ग या म्यूजिक को सुनते हैं तो दोस्तों हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, उसके बाद भी हम म्यूजिक को सुनते हैं ईयरफोन लगाते हैं, उसके कारण भी हमारे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो 15% से नीचे आ जाता है, उसके बाद भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके कारण भी हमारा मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है। हमें 15% नीचे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इनसे बचे कैसे, इनका उपाय क्या है। तो दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म होती है तो आपको ये देख लेना आप लाइव वाल पेपर, उसको सिंपली आपको रिमूव कर देना है। तो रिमूव कैसे करना है, आपको सिंपली स्क्रीन पर क्लिक करके रहना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पे वाल पेपर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको वाल पेपर पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको वाल पेपर किसी को भी चेंज कर देना है, लाइव वाल पेपर नहीं है। तो दोस्तों अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो हम ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा क्या क्या ऑन है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इंटरनेट, वाईफाई, यहाँ पे आवाज, तो कई सारे ब्लूटूथ आदि चालू रहते हैं, उसके कारण भी हमारा फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाता है और उसके कारण भी हमारा फ़ोन जल्दी चार्जिंग पे नहीं होता है। तो दोस्तों कैसे लगा ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर फोर की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, ये फालतू के एप्लीकेशन से बचे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे प्ले स्टोर में कितने सारे ऐप्स पड़े हुए हैं फालतू के। दोस्तों ये ऐप्स से आपका मोबाइल जल्दी ख़राब होता है, बैटरी जल्दी ख़राब होती है, इसलिए आप इन फालतू ऐप्स को इस्तेमाल ना कर रहे हैं। पॉइंट वो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, सिंपली आपको नीचे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपका अगर 30 सेकंड है या अगर 1 मिनट है तो उसको यहाँ से 15 सेकंड कर लीजिए, उससे भी आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में आपको मैं बता दूँ कि आप अगर कैमरा या वीडियो का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप वीडियो या कैमरे का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, उनसे भी आपकी फोटो वोटो ना कैसे चलेगा, उससे भी आपकी बैटरी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों दोस्तों अक्सर लोग बात क्या गलती करते हैं कि मोबाइल को 95 होने के बाद ही वो चार्जिंग पे लगा रहता है, उसके कारण उनकी बैटरी ख़राब हो जाती है। जैसे कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट भी ख़राब हो जाता है, जैसे ही अगर हम फोन को 100% चार्ज करेंगे तो हमारा मोबाइल भी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें 95% तक मोबाइल को चार्जिंग पे चार्ज करना चाहिए और 15% नीचे हमें यूज। एंड फाइनल टिप की बात कर लेते हैं दोस्तों, 8 है दोस्तों, जब भी हम मोबाइल को यूज़ करके अगर हम चार्जिंग पे लगाना चाहे तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारा डाटा ऑन है या ऑफ है, तो सिंपली हमें डाटा को ऑन ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरोप्लेन मोड, दोस्तों हम इसको इस्तेमाल एरोप्लेन में करते हैं, लेकिन आप चार्जिंग के वक्त भी इसका इस्तेमाल किया करो, उससे आपका मोबाइल जल्दी फास्ट होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऑन कर देना है, उसके बाद में अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो सलामत रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।